यहाँ पे भी हम लोग मछली लेने आए थे और यहाँ पे भैया जो है मछली दिखा रहे हैं। देखो कौन सा नया है कौन सा, ये तो है तो रूट पे खड़ा हो भी नहीं पा रहे। कोतो इतना धूप है यहाँ पे ताकना ही मुश्किल है, ऊपर सर में तेल दिया है। देखो ये खाजा तो बहुत मिसी हो जाए। ठीक है हाय दोरो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अदर ब्लॉग। और आज जो है सुबह सुबह से जो है दौड़ा भागी चल रहा है क्योंकि घर पे सभी का तबीयत खराब है। मेरा भी बुखार था तो ऐसा नहीं कि मुझे रेस्ट करना है, रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बुखार में दौड़ना पड़ रहा है, क्योंकि दौड़ूंगी तो कौन दौड़ेगा, है ना। और मम्मी का भी तबीयत ख़राब है और नया का जो है बुखार था, स्कूल गई है। तो आज सैटरडे है, कियान का स्कूल नहीं था आज, क्लास टू से होता है सैटरडे को, और कियान जो है के जी टू में। तो अभी मैं जा रही हूँ, आज मीटिंग भी था और मीटिंग के टाइम ही बारिश आ गया। फिर मीटिंग से आई 11:30 बजे, आकर पूजा वूजा किया घर पर करके, अभी फिर 12 बजे के 5 मिनट बाकी है अभी, तो फटाफट से जा रही हूँ। और हाथ में देखा बाजार का बैग है, फिर लनाया को लेकर डायरेक्ट मैं बाजार जाऊँगी अभी। तो चलिए चलते हैं। इतना ज़ोर से बारिश आया था कि तूफान में देखो सभी का जो है ना बाहर का बाउंड्री का जो बेड़ा था वो टूट टूट चुका है। तो अभी मैं और लनाया जो है जा रहे हैं कहाँ पे, तो ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं और बाबू जी जो है लखीपुर में। तो आज लो क्लास का टेस्ट हुआ है एरिट में, इसको 15 में 15 मिला, तो ये बहुत खुश है। मैं भी खुश हूँ बहुत ज़्यादा, है ना। तो जब मीटिंग हुआ तो इसने मुझे नहीं दिखा और बोली मम्मा जाओ जाओ, इसको छुट्टी के बाद बोली मम्मा जाओ मीटिंग है। मैंने बोला मीटिंग तो हो चुका था, बोले मम्मा आज पता है बारिश बहुत जोर से आया था, हमने कहा तब हम लोग मीटिंग में थे, है ना। लनाया तो क्या अभी घर पे है, क्या को छोड़ कर आई हूँ फटाफट से काम करके, और लनाया का बेग भी है, मेरा बेग भी है, और अभी हम लोग जा रहे हैं तो जाएंगे सब्जी मार्केट करेंगे, फिर घर जाएंगे खाना पकाएंगे, है ना। तो आज हम लोग यही है ना लनाया, और पोगो टंडन को लिए कुछ लेना पड़ेगा हम लोग को खाने के लिए। तो देखती हूँ अगर पिक मिलेगा तो पिक ले लूँगी, हाँ डॉग फूड नहीं लूँगी, डॉग फूड उन लोग के लिए मैं नहीं खिलाती हूँ, मैं उन लोग को नहीं था, हम लोग जो खाते हैं वही खिलाते हैं, है ना। चलिए चलते हैं बेटा। और अभी आई हूँ भैया दुकान में, थोड़ा तेल और गोशाली का सामान लेना था यहाँ से लेके, उसके बाद सब्जी जो है कच्चा सब्जी वो खरीदेंगे और उसके बाद जो है घर जाना है। देखो लगाया कुछ खाएगी बोल रही है, तो सच बोलो तो भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगा है, क्या बोलूँ। और देखो नेल पेन इतना नहीं सोच रही हूँ कि लगाऊंगी लगाऊंगी, बट नेल पेन लगा नहीं पा रही हूँ। पेट भर जाएगा। और भी तो बारिश की वजह से बाजार भी बहुत मतलब वो हुआ है, नुकसान हुआ था, फिर फटाफट से लोग अभी भी बाजार समेट रहे हैं, मतलब फिर से बैठा रहे हैं बाजार को। यहाँ से बाजार लेती हूँ और भूख भी लगाए, फटाफट जाऊँगी क्या बनाऊँगी पता नहीं, क्योंकि बनाए खाते खाते तो 3 बजेगा, तो कुछ पहले कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो लग रहा है कि मेरा मशीन चलना बंद हो जाएगा। क्या देखो बिजी पर्सन, हेलो गुड आफ्टरनून ताचो, गुड आफ्टरनून। आज बोल रहे हैं, उस दिन का वीडियो अपलोड हुआ मैंने बोला उसी दिन हो गया आपने। बहुत जल्दी सुपर फास्ट सुपर फास्ट। तो भैया देखो अभी तक देखा भी नहीं है, है ना। देख लो देख लो देख लो, देख के शेयर भी मार दो। ये देखो एक आंटी है, से आंटी हाय तोड़ो फजबी अभी माली अभी भी लड़की लगती है ना, बोरे बुच्ची हो गई है। तो ऐसे सामान लेती हूँ फिर घर जाऊंगी। बिजी हो गए बहुत बिजी हो गए।
कम करो ना ये तो तुम्हारा नॉर्मल ही रिस्क है पैकेजिंग ना अरे यू को तो करिया लो क्या कर रहे हो मछली खरीद कौन सा मछली ले रहे हो कौन सा क्या अच्छा नहीं लग रहा है तो सर गला मछली मैं यहाँ पे भी मक्खी देखो तो टाइट भी दिख रही है वो सही मार यहाँ पे जो लोग मछली लेने आए थे और यहाँ पे भैया जो है मछली दिखा रहे हैं देखो कौन सा नया है कौन सा है तो रूट पे खड़ा हो भी नहीं पा रहे को तो इतना धूप है यहाँ पे तकना ही मुश्किल है ऊपर सर ने तेल दिया है देखो तो ये जो मछली है ना ये देख रहा है तो ये आप लोग को ये 1000 बोल रहा है देखो 300 मैं आई हूँ यहाँ पे शूट की लेने के लिए पोगो टुनटुन के लिए और लनाया उसके पापा जो है उधर फिश कटवा रहे हैं तो कटा ले उसके बजाय सामने जो नदी देखो नदी में थोड़ा थोड़ा पानी हुआ है तो आज बाजार में भीड़ कम है क्योंकि बारिश होने की वजह से मेरा देखो मेरा पोगो बैठा हुआ है पोगो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना तो कमेंट बताइए पोगो कितना बड़ा हुआ है या नहीं है ना तो पोगो बड़ा हो चुका है अब शादी का दिन नज़दीक आ रहा है तो देखो यहाँ पे बहुत सारा फूल का चारा जो है यहाँ पे हो चुका है देखो पूरा जंगल जैसा हो चुका है ना तो यहाँ पे बहुत सारा बीज जो है छींटा था मैंने हो चुका है ये देखो फ्लावर तो बारिश का बहुत मतलब बारिश गिरा था तो सब कपड़ा फिर से डाला गया है ऊपर सब नहीं बहुत काफ़ी सूख चुका है और काफ़ी जो डाला है इधर भी उधर भी और टंकी देखो पूरा फुल हो चुका है तो गुड इवनिंग एवरीवन और बाज़ार में जो है और वीडियो कर नहीं पाई क्योंकि दोनों दो तीन बैग था एक तो फल का बैग था एक मछली का था एक वेजिटेबल का था एक जो तेल उल होता है मसाला उसका था और प्लस लनाया का जो स्कूल बैग था तो बहुत भारी हो चुका था बैग तो इसीलिए मैंने और शूट करना नहीं मतलब कर नहीं पाई और लनाया को भी लेना था और बाबू आ गया था तो आज क्या हुआ टुकटुकी में उठना नहीं पड़ा 50 रुपीज़ बच गया और या फिर 20 रुपीज़ ही बच गया तो बाबू था साथ में तो क्या हुआ हेल्प क्या हुआ बाबू ने बहुत हेल्प कर दिया और प्लस लनाया भी खुश हो गई तो बाबू के साथ जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं पर भी घूमना और हाँ पोको भी आ रहा है उसके बाद जो है टुकटुकी मतलब स्कूटी में बैठने के बाद ना और हिम्मत ही नहीं होगी कि कौन सा हाथ में कैमरा पकड़ूँ तो यहाँ पे देखो पोको हमारे पीछे 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 आगे 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 और टुनटुन जो है बाली में सोई हुई है तो मज़े के बाद क्या है आज जो है खाने में बना था क्या क्या मैं बताती हूँ आप लोग का मेनू मैंने दिखा नहीं पाई तो आज था मसूर का दाल और था जो होता है अभी खिक्सा निकला है ना पलहर जैसा होता है करेला का जो जैसा होता है छोटा छोटा होता है हम लोग खिक्सा बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता है मुझे और बंगाली में काकरोल बोलते हैं तो उसका जो होता है मसाला भर के पकौड़ा बोलते हैं या पूड़ बोलते हैं तो हम लोग पूड़ बोलते हैं तो वो बनाई थी और था मैं भूल जा रही हूँ मैं ही बनाई हूँ मछली का इलिश माछ मछली को पोस्तू देकर भापा बनाई थी मतलब उसमें तेल उल नहीं होता है सिर्फ उसको टिफिन में घुसा दिया था सब पोस्तू को पीस कर प्याज देकर और थोड़ा टमाटर दिया था नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर देकर और मिर्च कच्चा मिर्च जो होता है ना उसको देकर और गर्म पानी में उस टिफिन में रख दिया था तो बॉयल जैसा हो गया मतलब बॉयल उसको भापा बोलते हैं तो भाप से बना उसको और पानी में रख दिया था उसको तो टिफिन के अंदर ही भाप से वो बॉयल हो चुका था तो खाने में ऐसा टेस्टी होता है तो बाबू को बहुत पसंद था इलिश तो लनाया बोले क्या और मैं लाई थी पोई पोई शाक होता है ना तो पोई पत्ता का पकौड़ा बनाया था और था सलाद जो हम सबको पसंद है सलाद खाना बहुत अच्छा लगता है और मैंगो लाया था तो मैंगो फटाफट से काट के हम सभी ने खा लिया था फटाफट से और लाते ही खा लिया था तो बारिश बहुत गिरा है फिर आने के बाद जो है बहुत सारा बारिश भी हुआ और अभी भी देखो बाल भीगा 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 सा है क्योंकि मैं आज मैं 3 बार बाल भीगा चुकी हूँ क्योंकि इतना हड़बड़े था आज तो यही था हम लोग का और क्या जो है दुकान गया है और टुनटुन को क्या हुआ खाना दिया था टुनटुन खाना खाने नहीं आ रही थी चिकन उसके लिए चिकन अलग से लाई थी टुनटुन और पोगो के लिए बोला था ना मैं कुछ लेकर आऊँगी दोनों के लिए तो बहुत दिन से लोग चिकन नहीं खाया था तो चिकन करी जो दुकान से मैं लेकर आई थी तो उन लोग के लिए लेकर आई और पोगो खा रहा था टुनटुन बोला टुनटुन नहीं आ रहा था पोगो गुस्सा हो गया उसको लाने के लिए और जब तक टुनटुन को लेकर नहीं आया उसने अपना खाना भी नहीं खाया था
तो बाद में आया खाना, देखो पोगो टुंडू नहीं खाई, बोले पोगो भी नहीं खाया, गुस्सा से दोनों झगड़ा करके बाली में जाके वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो काफ़ी सारा फ्लावर है, सुबह तोड़ नहीं पाई क्योंकि हड़बड़ी में पूजा किया, सामने जो फ्लावर मिला था वही उसी को देके कर लिया था। और फाइनली आज मैंने नेल पेंट भी लगाया। तो यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, और फिर मिलते हैं कल। और कल जो है संडे है, सोचते हैं कुछ अलग करने का, तो बने रही हमारे वीडियो के साथ। और लनाया जो है वो चली गई है, और अभी जो है सूरज देव डूब रहे हैं। वाह, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे। तो यहाँ पर सूरज डूब रहे हैं, देखो देखने में इतना अच्छा लग रहा है, पूरा लाल दिख रहा है देखने में। और लनाया जो है पत्थर में खेल रही है अभी भी, है ना। बाय बाय करते, दूसरी को बाय बाय बोल दो, बाय बाय, कल मिलेंगे, है ना, कल संडे है, कुछ फन करेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय।